हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स क्लास 12th के लिए। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो है अभी तक हमने काफ़ी कुछ किया है और अभी काफ़ी कुछ करना भी बाकी है। तो जो हमने किया है और लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो उसके अंदर एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाला था मैंने उस क्वेश्चन को। तो काफ़ी बच्चों ने उस क्वेश्चन को ट्राई किया लेकिन काफ़ी बच्चों को उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उसे समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। लगभग सब बच्चों ने एंट्रीज तो सही करी लेकिन जो एंट्री के अंदर अमाउंट लिखना होता है वो अमाउंट लिखने में काफ़ी बच्चों ने जो है मिस्टेक करी। तो जहाँ उन लोगों ने मुझे आंसर भेजे थे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, अपने जो भी उन्होंने सॉल्व किया उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजी थी, तो काफ़ी हद तक उसके अंदर मिस्टेक थी हर बच्चे के सॉल्यूशन के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मुझे खुद को यहाँ पर बोर्ड पे कराना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को मैं इस बोर्ड पे यहाँ पर कराऊंगा और आपको पूरा समझाऊंगा भी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वो क्वेश्चन समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट पता नहीं है तो फिर आप जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले वो थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ है टाइप्स ऑफ कैपिटल, थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसका नाम है टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी के प्रकार, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सबसे पहले होती है, ध्यान से सुनिएगा, खूब सारी टाइप्स है इसकी और उनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो आज बता रहा हूँ ये आपके प्रैक्टिकली भी काम आएगा और कंपनी की जो आगे बैलेंस शीट बनेगी, वो बैलेंस शीट नहीं जो आप 11th में बनाते थे, वो बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल अलग बनती है। तो वो बैलेंस शीट में भी ये चीज़ें आपके काम आएगी, इसलिए इसको आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ होती है एक ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हिंदी के अंदर बोलते हैं पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की काफ़ी सवाल आते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में भी आप बताया कीजिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अधिकृत या, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस शीट में ये सब कुछ काम आएगा, कंपनी की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ। अब सर ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है बताओ? ऑथोराइज्ड कैपिटल जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है ना, जब प्रमोटर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस टाइम जो है कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्वेश्चन किए वहाँ था कि 2000, एग्जांपल ले रहा हूँ, 2000 नंबर ऑफ शेयर और एक शेयर 10 रुपये का, 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख, है ना। तो ऐसे कैसे कंपनी की कैपिटल कितनी रखनी है वो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस टाइम कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, MOA और AOA। MOA और AOA क्या होता है उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो MOA और AOA, ठीक है। तो वो MOA और AOA के अंदर जो है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं, वहाँ पर ये भी बताना पड़ता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। अब यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर कितने शेयर इशू कर सकती है। काफ़ी लोगों का सवाल हो सकता है दिमाग में आया हो कि एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है और कितना लोगों से पैसा ले सकती है, क्या मन चाहा पैसा ले सकती है? नहीं, कंपनी लोगों से उतना ही पैसा ले सकती है, यानी कि उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितनी उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, जो उसने रजिस्ट्रेशन के समय बताया था उतने ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, बाद में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा सकती है, लेकिन अभी आप इतना ही समझे कि ऐसी कैपिटल जिसे कंपनी अपने पूरी लाइफ के अंदर इशू करती है उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो यही बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको समझ में आ गया।
ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जिसे कंपनी अपने पूरी लाइफ के अंदर इशू करके, शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है, इसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। अब देखिए, क्या कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की, मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ आपको, जैसे किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, एट द रुपीज अपन कर देते हैं 10 ईच, तो कैपिटल कितनी हो गई 20 लाख, 20 लाख हो गई ना, 20 लाख, ये तो आपको पता ही है। 2 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 20 लाख, यानी कि एक कंपनी 2 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये इसकी ऑथराइज कैपिटल है। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा कितना ले सकती है 20 लाख, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई, ठीक है सर। अब क्या कंपनी ये 2 लाख शेयर एक साथ इशू करेगी या टुकड़ों में करेगी या थोड़ा थोड़ा करके करेगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी बस इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, 2 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी जो है 2 लाख से कम इशू कर सकती है, भी 50,000 शेयर एक बार कर दें, 60,000 एक बार कर दें, 80,000 एक बार कर दें, ऐसे करके कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कंपनी ने जो है वो शेयर इशू जो किए, वो बता रहा हूँ, कंपनी ने मान लेते हैं शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए, इसमें से मान लेते हैं 1,50,000 शेयर्स, ठीक है, इतने शेयर इशू कर दिए, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो टोटल पैसे कितने हो गए 15 लाख रुपए। तो ये इशू किए ना, इसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्गमित पूंजी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्या कंपनी 2 लाख इशू नहीं कर सकती? 2 लाख इशू कर सकती है। अगर कंपनी ने पूरे 2 लाख इशू कर दिए तो इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख शेयर एट द रेट 10 या 20 लाख आ जाएगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कंपनी अगर पूरे करेगी तो पूरे हो जाएंगे, मान लेते हैं कंपनी पूरे इशू नहीं कर रही है, इसका मतलब इसने इशू कितने किए 1,50,000, अभी भी कंपनी के पास कितने शेयर ये पड़े हैं जिनको वो फ्यूचर में इशू कर सकती है, 50,000 और पड़े हैं, क्योंकि 1.5 लाख इशू कर दिए, 50,000 और पड़े हैं जिनको वो बाद में इशू कर सकती है, चाहे तो पूरा भी इशू कर सकती है ना, 1.5 लाख तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इशू कर सकती है, चाहे तो एक साथ कर दे, चाहे फिर अभी 1.5 लाख कर दो बाद में 50,000 कर देना, या अभी 1 लाख कर दो बाद में 1 लाख कर देना, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। तो अच्छा सर, 2 लाख में से 1.5 लाख इशू कर दिए इसलिए इसको इशूड कैपिटल बोलेंगे, और जो 50,000 शेयर इशू नहीं किए उसको क्या बोलेंगे, है ना, 50,000 बच गए ना यहाँ पर, 50,000 शेयर जो इशू नहीं किए हैं उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे एट द रेट 10 ईच, कितने हो गए 5 लाख, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। अच्छा सर, बस, हाँ सर, इतना ही, अनिर्गमित पूंजी, क्या बोलेंगे हिंदी में, अनिर्गमित पूंजी, ठीक है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल में से जो इशू कर दे उसको इशूड कैपिटल, और जो इशू नहीं करे बाद में फ्यूचर में इशू करेंगे उसको अनइशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब कंपनी इशू तो 1,50,000 शेयर करना चाहती है, लेकिन लोग खरीदेंगे कितने वो भी तो डिपेंड करता है ना, क्या लोग पूरे परचेज करेंगे, हमें क्या पता, है ना, मैंने बोला था ना, अगर 1,50,000 इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन 1,50,000 आ जाए तो पूरे इशू हो गए, डायरेक्ट एंट्री हो गई। अगर 1,50,000 इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन इससे ज़्यादा आ जाए तो प्रोरेटा टेबल बनेगी। 1,50,000 इशू करना चाहती है लेकिन एप्लीकेशन इससे कम आ जाए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे, पता है ना वो तो यहाँ पर मान लेते हैं 1,50,000 शेयर इशू करना चाहती है लेकिन कंपनी के पास में जो है वो एप्लीकेशन कितनी आई, मान लेते हैं कंपनी के पास में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, फिर फॉर एग्जांपल मैं इसमें मान रहा हूँ एप्लीकेशन प्राप्त हो गई ताकि वो आगे भी बढ़े क्वेश्चन, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 1,40,000, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, ठीक है सर, एक बार वापस बताओ, हाँ बेटा इधर ध्यान से देखो, देखो ये हो गए 14 लाख, इधर देखना, इधर से समझाता हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसे इशू कर दिया जाता है वो इशूड कैपिटल होती है, और ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसे इशू नहीं किया जाता वो अनइशूड कैपिटल होती है,
ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसे इशू कर दिया जाए इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसे इशू नहीं किया जाए अनइशूड कैपिटल। ठीक, फिर इशूड कैपिटल का वह पार्ट जिसे लोग खरीद लें, इतना इशू करना चाहते हैं लेकिन लोगों ने इतने नहीं खरीदे, लोगों ने 140 ही खरीदे, अगर 150 पूरे खरीद लेते तो वो 150 पूरी क्या हो जाती, सब्सक्राइब्ड। भाई इशू इतना करना चाहते हैं, लोग खरीदने जितना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, जो इशू कंपनी करना चाहती है उसको इशूड बोलते हैं। यहाँ पर मान रहे हैं कि लोगों कंपनी तो इशू करना चाहती है 150, लेकिन लोग जो है वो 140 ही खरीद पाए, इतना ही खरीद पाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि इस 140 को क्या बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल और इस 150 को क्या बोलेंगे इशूड कैपिटल। तो सर यहाँ जो 10,000 बच गई उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो 10,000 शेयर बच गए 10 रुपीज ईच 1,00,000 के, उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, अप्राथित पूंजी, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि अप्राथित पूंजी, ये हिंदी में। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए आप, ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जिसे इशू करना चाहते हैं इशूड कैपिटल, जिसे अभी इशू नहीं करना चाहते अनइशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे पब्लिक ने खरीद लिया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे पब्लिक ने नहीं खरीदा है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैं यह मान रहा हूँ कि 150 में से 140 खरीद लिए, इसलिए 140 सब्सक्राइब्ड है और 10,000 अनसब्सक्राइब्ड है, समझ में आ गया। अगर 150 पूरे के पूरे खरीद लेते तो 150 सब्सक्राइब्ड हो जाते, अनसब्सक्राइब्ड 0 हो जाते, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा कम किया इसको। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल के पार्ट दो हैं, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल पे के पार्ट दो है सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब सब्सक्राइब्ड के बाद में दो चीज़ें हो रही हैं, सब्सक्राइब के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है मैं आपको बताता हूँ, कॉल्ड अप लिख देता हूँ और एक अनकॉल्ड अप। सर ये क्या है? ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉल्ड अप, मतलब कॉल का मतलब क्या होता है, मांगना, मांगी गई पूंजी और ना मांगी गई पूंजी। ठीक है सर, ये है क्या बताना। देखो बेटा, अब इशू कितना करना चाहते थे 150, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए, खरीदे कितने 140, तो अब लोगों से हम पैसे कितने लेंगे, 14 लाख रुपए लेने हैं ना भाई, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल 140,000 है, क्योंकि ये तो खरीदे ही नहीं, वो तो अनसब्सक्राइब ले गई। अब लोगों से पैसे लेने हमें 14 लाख रुपीज, 14 लाख रुपए। अब 14 लाख रुपए हमें लेने हैं, लेकिन एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। क्या एक आदमी से लेने हैं 14 लाख? नहीं, जितने शेयर खरीदेंगे उस हिसाब से लेने हैं। अच्छा, ये 10 रुपये क्या हम एक साथ ले लेते हैं? अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस 10 रुपये को हम ऐसे लेते हैं, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन पे है ना, देखो इधर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ऐसे लेते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट बिठा के इसको आपको समझाने के लिए। देखो, मतलब अभी तक पैसे आए नहीं हैं, इतने इशू करना चाहते थे, इतने लोग खरीदने के लिए तैयार हुए हैं, अब पैसे मंगवाने हैं ना, तो मांगने को क्या कहते हैं, मांगी गई पूंजी, और ना मांगने को क्या कहते हैं, ना मांगी गई पूंजी। यानी कि इस 10 रुपये में से हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अगर मंगा दिया है तो वो सब कॉल्ड अप हो गया, अगर इसमें से अभी कोई मान लेते हैं फर्स्ट कॉल नहीं मंगाया तो वो अनकॉल्ड अप हो गई। समझ में आ गई? फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये जो 10 रुपये हैं इसमें एप्लीकेशन के हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट के हैं 4 रुपये और फर्स्ट कॉल के हैं 3 रुपये, लेकिन अभी तक जो है हमने केवल कॉल्ड अप क्या क्या किया है, हमने केवल एप्लीकेशन मंगाई है और अलॉटमेंट मंगाया है, अभी तक हमने फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई है, फर्स्ट कॉल के कितने 3 रुपये, तो ये 7 रुपये हमने मांग लिए, ये दोनों मांग लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप, ये कितने हो गए 7 रुपये, और इसको अभी तक नहीं मांगा है, क्यों नहीं मांगा, अब मांगेंगे आगे, तो अगर ये नहीं मांगा है तो इसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ओके, समझ में आया। ठीक है, ये कॉल्ड अप पर शेयर है, 7 रुपये एक शेयर के, तो 140 के कितने हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे के वैसे ये 3 रुपये एक शेयर के हैं, तो 140,000 शेयर के कितने हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया, तो ये कितने हो जाएंगे, आप देख लेना वो गुणा करके इसको। ठीक, समझ में आना चाहिए, मेन ये है कि यहाँ पर
जो सब्सक्राइब करते हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तो वे एप्लीकेशन हमको जमा करा देते हैं, तो उसके बाद हमको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के कंपनी को उनसे पैसे लेने होते हैं। लेकिन कंपनी उसको किस्तों में मांगती है, एक महीने दो महीने बाद ऐसे गैप देके मांगती है। तो अभी तक केवल हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगी है, तो ये कॉल्ड अप हो गई, और अभी तक हमने ये नहीं मांगा है, तो ये क्या हो गया, अनकॉल्ड अप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना बहुत है। आगे इसके दो पार्ट और हैं, लेकिन वो अभी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो ये अब समझ में आ गया ना, अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और उसको मैं अभी आपको कराता हूँ। आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आपके काम का है ना, ऐसे विथ एग्जाम्पल कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एक दो बार इसका रिविज़न कर लेना। अभी मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, और क्वेश्चन जो है वो मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे डाला था ना दोस्तों, हाँ टेलीग्राम पे डाला था मैंने क्वेश्चन, तो टेलीग्राम पे मैंने डाला था, ये रहा मेरे स्क्रीन पे भी आ गया है, आप मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए मैं आप इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर अपन इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिख गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। ऑन अप्रैल 1, 2015, 1 अप्रैल 2015 की बात है, अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40,000 की उसकी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है ना, 40,000 रुपये की क्या है उसकी ऑथोराइज कैपिटल। अब देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना, ये इसको हटा देता हूँ, आप लिख लेना इसको, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अपनी ऑथराइज कैपिटल नहीं आ गई है, तो इसको हटा देते हैं, अपन एग्जांपल वाली लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपये की है, चलो 40,000 रुपये की है ऑथराइज कैपिटल, है ना, 40,000 शेयर नहीं है, 40,000 नंबर ऑफ शेयर नहीं है, 40,000 रुपये है, कैपिटल है ये, उसके आगे लिखा हो ना ₹40,000 डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 10 ईच, लेकिन एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, एट द रेट कितना है, 10 रुपए का। अब मुझे आप ही बताओ, 40,000 टोटल कैपिटल है क्योंकि इसके आगे रुपीज़ लिखा हुआ है, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो शेयर कितने हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है, इस 40,000 में 10 का डिवाइड कर दो, 4,000, तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर है जो आपको कैलकुलेट करने थे यहाँ पर, तो 4,000 एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ ईच और 40,000 रुपये कैपिटल। तो ये कंपनी जो है, जो भी ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 40,000, उसमें शेयर कितने हैं, 4,000, एक शेयर कितने रुपये का, 10 रुपये का, यानी कि ये कंपनी पूरी लाइफ में अपने 40,000 शेयर इशू कर सकती है क्योंकि इसकी ऑथराइज कैपिटल 40,000 है। आ गया समझ में, ठीक, आगे देखिए, इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 शेयर्स पेबल एज फॉलोज। इसका मतलब ये हुआ, इट ऑफर्ड, इसने ऑफर दिया किसको, टू द पब्लिक, पब्लिक को, ऐसे एक एक वर्ड को समझिए आप, एक एक वर्ड को समझ के आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना, इट ऑफर्ड, इस कंपनी ने ऑफर किया टू द पब्लिक, पब्लिक को, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज नहीं है, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 शेयर, मतलब कंपनी को ऑफर किया कितने शेयर खरीदने के लिए या कितने बेचने के लिए, 3,000, तो इशूड कैपिटल कितनी है, 3,000 शेयर है, उसके आगे रुपए नहीं लिखा हुआ, शेयर है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर है, तो 3,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच, क्योंकि वो 10 रुपये फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो कितना हो गया, 30,000। अब मुझे ये बताइए, इसके 4,000 जो इसकी थी वो ऑथराइज्ड शेयर थे, उसमें से इशू कितने कर दिए, 3,000, तो 4,000 में से 3,000 इशू कर दिए, तो अन इशू कितने रह गए, 1,000, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो कितने हो गए, 10,000। अब यहाँ पर मैच करके देखिए, टोटल 40,000 रुपए की कैपिटल ये इशू कर सकती है, उसमें से कर कितनी दी, 30,000 रुपए की, और उसमें से नहीं कितनी करी, 10,000, तो ये कब इशू करेगी, ये तो करेगी इशू फ्यूचर में, ये कब इशू करेगी, ये इशू करेगी फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि वो अन इशूड है, अभी इशू नहीं किए, तो अभी हमको इशू कितने करने हैं, 3,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, और टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 30,000 रुपये की, तो हमको एंट्रियाँ किसकी करनी है, 4,000 के हिसाब से करनी है या 3,000 के हिसाब से, इशू कितने कर रहे हैं, 3,000, तो एंट्री किसके हिसाब से होगी, 3,000 के हिसाब से होगी, 4,000 के हिसाब से क्यों होगी, वो 1,000 जब इशू करेंगे तब उसकी एंट्रियाँ करेंगे, अभी तो इसकी करेंगे हम, समझ में आया आप लोगों को, तो ये मिस्टेक कर रहे थे, मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन दिया ताकि आप करोगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा ना तो आपके दिमाग के अंदर क्लिक होगा,
पता चला है मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया। कुछ बच्चों को हो सकता है सर क्या है कैसे फालतू क्वेश्चन दे दिया, खुद ने तो पता नहीं सिंपल सिंपल करा दिए, हमको हार्ड क्वेश्चन दे दिया, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं अब सर ऑनलाइन सही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिया ताकि आप दिमाग लगाओ उसको गलत करो, फिर मैं उसका सही सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर कोशिश करी थी। कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आई, आपने दिमाग लगाया होगा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करी होगी लेकिन आपको समझ में नहीं आया, अब उसका आपको एकदम से मैंने आंसर ला के दे दिया, आपको मजा आ गया, अच्छा ये था क्या, तो वो दिमाग के अंदर चीज़ बैठ गई और वो आपको लंबे समय तक याद रखेगी। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें करूंगा आपके साथ, ठीक है, आप पता चला ओके। तो ऑथोराइज कैपिटल आपको समझ में आ गई, 4000 है लेकिन इसकी एंट्रियाँ नहीं होगी, एंट्रियाँ में जिसमें से जितनी इशू करते हैं ना उसकी होती है, तो इशू हम 3000 शेयर कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का, तो कितने हो गए 30000, तो इसकी एंट्रियाँ करेंगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, देखिए पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज मतलब एप्लीकेशन पे कितने रुपये मंगा रहे हैं 3 रुपये, एक शेयर 10 रुपये का है तो एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहे हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे कितने मंगा रहे हैं 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 1 महीने बाद मंगा रहे हैं, ठीक है मैं डेट भी बता दूंगा आपको, 2.5 रुपये, और सेकंड एंड फाइनल कॉल की अलग एंट्री करनी है वो लास्ट में मंगाएंगे 2.5 रुपये, तो 2.5 की ये अलग एंट्री होगी, 2 रुपये 2.5 की अलग होगी फर्स्ट कॉल की और 2 रुपये 2.5 की सेकंड और फाइनल कॉल की साथ में होगी, टोटल 4 एंट्रियाँ होगी यहाँ पर, ठीक। द शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, अब मुझे बताइए ये जो शेयर इशू कितने करना चाहते थे 3000, पब्लिक ने फुली सब्सक्राइब कर लिया, यही तो बात है बेटा, यही समझाना चाहता था मैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी 3000 या इससे कम, पूरी 3000, 3000 एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, और यहाँ आ गया 30000, तो अब अनसब्सक्राइब कितनी होगी, अनसब्सक्राइब होगी नहीं, जीरो हो जाएगी, अनसब्सक्राइब जीरो, क्यों 3000 इशू करना चाहते थे उसमें से 3000 इशू कर दिए, मतलब लोगों ने खरीद लिए सब्सक्राइब कर लिए उसको, तो 3000 इशू हो गए, तो अनसब्सक्राइब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, जितना इशू करना चाहते थे उतने पूरे इशू हो गए, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। अब कॉल्ड अप सब मांग लिया इसलिए कॉल्ड अप ही है, अनकॉल्ड अप कुछ हो गई नहीं, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री होगी 3000 शेयर की, अगर यहाँ पर 3000 शेयर इशू करना चाहते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि लोग जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब मतलब लोगों द्वारा खरीदना, तो लोग जो खरीदते वो 3000 पूरे ना खरीद के 2800 खरीदते, तो यहाँ पर अनसब्सक्राइब कितना हो जाता 200, तो 2800 के हिसाब से एंट्री करते या 3000 के हिसाब से, नहीं सर 2800 के हिसाब से एंट्री करते, क्योंकि लोगों ने 2800 ही खरीदे हैं तो लोग उसके ही पैसे देंगे, 3000 के पैसे नहीं देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जितने इशू करना चाहते हैं लोगों ने, लोग उतने के उतने खरीदने के लिए तैयार है, 3000 इशू करना चाहते हैं लोग भी 3000 खरीदने के लिए तैयार है, तो अब लोग किसके हिसाब से पैसे देंगे 3000 के हिसाब से पैसे देंगे, अल्टीमेटली लोगों से जो फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो मांगना होता है ना वो इस हिसाब से मांगना होता है, ना इस हिसाब से ना इस हिसाब से, हाँ यहाँ अब ये सेम आ रहा है, क्यों जितने इशू करना चाहते थे उतने खरीद लिए लोगों ने, अगर कम खरीदते तो उस कम से हिसाब से एंट्रियाँ होती, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट इसको पीछे करके जो मैंने बोला उन वर्ड्स पे ध्यान दोगे ना तो ये सब समझ में आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दीजिए आपको सब समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, अब देखिए एक सेकेंड बेटा, हाँ देखिए सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक मिनट ये ब्लैक वाला सही रहेगा, हाँ ये एग्जांपल नंबर अपना कौन सा है मुझे याद नहीं है, आप देख लेना लगा देना नंबर, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है लिखनी है आपको, 4000 एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ऐसे ऊपर लिखना है आपको वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। तो कितनी हो गई वो 40000, ठीक है सर। फिर हमें और क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है ऑथराइज्ड के बाद में इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है, इशू करना चाहते थे हम 3000, अन इशू को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना 10 रुपये, अन इशू 1000 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है 30000। अब लोगों ने इसमें से सब्सक्राइब कितनी कर ली वो लिख दीजिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कितनी है 3000 पूरी की पूरी लोगों ने खरीदने के लिए तैयार है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा, वो देखो लाइन, द शेयर
ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2.5 लिखे हुए ना, उसके जस्ट नीचे देखिए द शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, पूरे के पूरे जितने इशू करना चाहते थे पूरे सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब मतलब पूरे खरीद लिए ₹10 ईच, 30,000। और हमको एंट्री किस हिसाब से करनी है, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हिसाब से करनी है। किसके हिसाब से, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हिसाब से हमको एंट्रियाँ करनी है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में ₹10 कैसे मंगाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कितने कितने मंगाने हैं, एप्लीकेशन पे कितने, अलॉटमेंट पे कितने, फर्स्ट कॉल पे कितने, वो भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे मंगाने हैं आपको ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे मंगाने हैं आपको ₹2, इस पर ₹2.5 और इस पर ₹2.5। अब कब कब मंगा रहे हैं इसकी डेट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए द शेयर वर, उसके आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं, द शेयर वर फुली सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन अप्रैल 15, 2015। एप्लीकेशन के पैसे कब मिले, 15 अप्रैल 2015, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कब मेड किया, ये 1 मई, वो भी डेट लिखी हुई, 1 मई 2015 को अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ ऊपर ही लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट कॉल 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल जो मंगा रहे हैं ना वो फर्स्ट कॉल के ₹2.5 लिखे हुए ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट कॉल के आगे देखो 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 1 महीने बाद, तो 1 मई से क्या हो जाएगा, 1 जून 2015 को फर्स्ट कॉल मंगा रहे, ठीक है। और सेकंड कॉल का अभी कुछ भी बोला हुआ नहीं है, अगर बोला हुआ नहीं है तो सेकंड कॉल की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे, जब सेकंड कॉल मंगाएंगे तब करेंगे। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉल्ड अप कैपिटल ये है, लोगों ने ये चुका दिया, ये चुका मांग लिया लोगों से हमने, और ये अभी तक हमने मांगा नहीं है कंपनी ने पैसा, कंपनी ने इसका मतलब ये 3 चीज़ों के पैसे मांग लिए। तो ये 3 क्या हो गई पता है, ये हो गई कॉल्ड अप, ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल, और ये पैसे नहीं मांगे इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप कैपिटल, आया समझ में दोस्तों। और हम एंट्रियाँ किसकी करेंगे, केवल कॉल्ड अप भी करेंगे, जो पैसे मांगे हैं उसकी होगी ना, फाइनल कॉल मांगी नहीं है तो लोग कैसे चुकाएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे क्या, नहीं, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। चलो एंट्रियाँ करते हैं, फर्स्ट, हाँ अभी मैं वहाँ परफॉर्मा नहीं बना पाऊँगा, आप डेट वाले कॉलम में डेट जरूर डालना है ना, वो टेबल नहीं बना पाऊँगा जनरल वाली, ठीक है ना, आप बना देना क्योंकि स्पेस नहीं है। हाँ एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे 15 अप्रैल 2015 को, क्या एंट्री करेंगे बेटा, सबसे पहले बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर मान रहा हूँ मैं, ठीक है। और कितने शेयर इशू, ये सब्सक्राइब वाले 3,000 और एप्लीकेशन पे कितने, ₹3, तो कितने हो गए ₹9,000। लोगों ने 40,000 के हिसाब से एंट्री कर दी, वो 40,000 है ना वो रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना था, ठीक है ना, और उसमें भी फिर 3,000 ही इशू कर रहे हैं, तो 3,000 के हिसाब से एंट्री होगी, और उसमें सब्सक्राइब भी 3,000 है तो इसके हिसाब से एंट्री होगी। फिर 15 अप्रैल को ही वापस बैंक वाली एंट्री हो जाएगी आपकी, 15 अप्रैल को ही किसकी हो जाएगी, बैंक वाली एंट्री, नरेशन आप लिख देना, है ना, समझदार हो गए हो आप, तो नरेशन आप लिख देना, इसके नीचे लिखते हैं ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो आप लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन फटाफट हो जाए। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 9,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की डेट ये रही, ये दोनों हो गई अलॉटमेंट की, 1 मई 2015 एंट्री क्या होगी इसकी, पहले ये वाली होगी ड्यू वाली, फिर बैंक वाली होगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा पैसा कितना, 3,000 शेयर सब्सक्राइब किए लोगों ने, खरीदे हैं, और ₹2 पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट चुकाया, तो 3,000 × 2 ये हो गए 6,000। अभी इसकी कौन सी एंट्री होगी, अब इसकी होगी बैंक वाली एंट्री, कौन सी होगी बेटा, बैंक वाली एंट्री, और बैंक वाली एंट्री कौन सी डेट को होगी, बैंक वाली एंट्री इसी डेट को होगी अलॉटमेंट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ठीक है सर। अब किसकी एंट्री करेंगे सर, अब हम एंट्री करेंगे बेटा किसकी, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की एंट्री कब है, 1 छः 2015 को,
क्या एंट्री होगी, पहले कौन सी होगी, पहले ड्यू वाली होगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3000। ठीक है, 3000 शेयर सब्सक्राइब्ड है और 2.5 मंगा रहे हैं, तो ये हो गए 7500 रुपये। अभी इसकी एक एंट्री रह गई और, कौन सी, बैंक वाली, 1/6/2015, वो एंट्री क्या होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक वाली एंट्री रहेगी, आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट, 7500। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये तीनों एंट्रियां कर दी, ये क्यों नहीं करी, तो बेटा आप खुद सोचो, हम बैंक की एंट्री कर रहे हैं। देखो ये एंट्री बैंक की है, जब पैसे मिलेंगे तभी होगी, इसके पैसे अभी तक मिले ही नहीं है, तो इसकी सेकंड कॉल की मैं एंट्री कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, ये एंट्री किसकी होती है, ये ड्यू की एंट्री होती है, तो अभी तक पैसे मांगे ही नहीं है, तो ड्यू कैसे होंगे, जब मैं आपसे पैसे मांगूंगा ही नहीं, फीस मांगूंगा ही नहीं, तो आपकी फीस ड्यू होगी क्या, नहीं, जब मैं मांगूंगा तब आपकी ड्यू होगी ना, तो अभी तक सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, और नहीं मांगी है तो इसकी ना तो ड्यू की एंट्री होगी, और मांगे ही नहीं है तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो ना तो बैंक की एंट्री होगी, जब मांगेंगे केवल तब भी एंट्री होगी। मुझे कैसे पता चला कि नहीं मांगे, क्योंकि इसकी डेट दी हुई है, इसकी डेट दी हुई है, और फर्स्ट कॉल के आगे लिखा हुआ है कि एक महीने बाद में फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, लेकिन फाइनल कॉल के आगे कुछ नहीं बोला हुआ है, तो मैंने ये मान लिया है कि ये अनकॉल्ड अप है, अभी तक इसको मांगा नहीं है, इसलिए एंट्रियाँ नहीं होंगी। हाँ, मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एक महीने बाद में मान लिया है तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, जब डेट नहीं दे रखी होगी ना, तो ये माना जाता है कि सारे पैसे मांग लिए और आ भी गए, लेकिन जब डेट सबकी दे रखी है और किसी एक की डेट नहीं दे रखी हो, जैसे कि यहाँ, तो इसका मतलब वो पैसे अभी तक मांगे नहीं। तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन और कल का क्वेश्चन पूरा। अब आपको पक्का, जो बच्चे बोल रहे थे ना सर हिंदी में भेजो हमको क्वेश्चन, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, बेटा मैं हिंदी में भेजता ना तो भी समझ में नहीं आता, क्यों, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई थी ना जो मैंने आज आपको बताई, मैं तो फिर सर क्वेश्चन क्यों दिया हमको, परेशान किया, बेटा परेशान होंगे ना तब भी ये दिमाग चलेगा। एक है पूरा आपको जो है मैं पूरा ऐसे करके ही बता देता तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो सकता था काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल भी जाते और इतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना आज आया, क्योंकि आपने ये घर पे क्वेश्चन पढ़ा, इसको करने की कोशिश करी और फिर आपको पता चला अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, तो आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन फिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल कुछ और कंपनी अकाउंट के और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लेकर, अब नई नई चीज़ें आएगी और आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि बेस लगभग आपका पूरा हो चुका है। कुछ बच्चों ने बोला था सर विथ और विदाउट प्रीमियम वाले क्वेश्चन कराएं, आगे हैं उसके क्वेश्चन खूब सारे, और मैं आज आपको होमवर्क भी दे दूंगा विथ और विदाउट प्रीमियम वाले, ठीक है, आप वो घर पे करना, ट्राई करना, और नहीं तो फिर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल करेंगे। परसों संडे है और संडे को 11 बजे आपका टेस्ट है, और मंडे से इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, फिर क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया है तो वो रेड कलर का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।